नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे रेलवे के द्वारा कई ऐसी ट्रेनें हैं जिसको कि रेगुलर वे में शुरू कर दिया गया है। बिहार में रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। अगर आप होली में घर आना चाहते हैं तो यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि रेलवे ने एक के बाद एक बड़े फैसले लिए हैं। बता दें कि रेलवे की तरफ से यह कहा गया है कि जनरल डिब्बों में अब रिजर्वेशन नहीं होगा। इससे जनरल में सफ़र करने में काफ़ी आसानी होगी आपको। साथ ही साथ आपको रिजर्वेशन के नाम पर लिया जाने वाला किराया भी बच जाएगा। साथ ही साथ रेलवे ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसमें ठंड के कारण करीब 100 ट्रेनों को बंद कर दिया गया था, उसे अब एक बार फिर से परिचालन में लाने की बात कह दी है, जिससे कि अब रेलवे में यात्रा करने वाले लोगों को यात्रा के दौरान कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि इस बार होली 19 मार्च को है। ऐसे में बिहार के लोग जो बिहार से बाहर रह रहे हैं, वे होली के मौके पर घर आना चाहते हैं। उनके हिसाब से रेलवे ने यह एक बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि रेलवे ने अब कई ऐसी ट्रेनें हैं जिसे कि नियमित रूप से चलाने की बात कही है, जिससे कि लोगों को आने जाने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बता दें कि कोहरे के देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने लगभग 21 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया था या फिर उन्हें रोक दिया था। इसी में संपूर्ण क्रांति ट्रेन है, जिनको कि सप्ताह में एक दिन रोका गया था, अब भी उसके परिचालन को जो है नियमित कर दिया गया है। इसी तरह से मगध एक्सप्रेस ट्रेन का भी परिचालन जो है नियमित कर दिया गया है। साथ ही साथ कई ऐसी ट्रेनें हैं जिनका रूट बदला गया था, अब जो है उनके रूट को भी पुराने रूट के हिसाब से चलाए जाने की बात कही गई है। तो आइए अब जान लेते हैं कौन कौन सी ऐसी ट्रेनें हैं जिनको कि नियमित कर दिया गया है। 13257 और 58 दानापुर आनंद विहार दानापुर इस ट्रेन को भी जो है नियमित कर दिया गया है। 12553 और 54 सहरसा नई दिल्ली सहरसा इस ट्रेन को भी रिक्वेस्ट करें कि अपने पुराने तय समय पर ही चलेगी। 12391 और 92 राजगीर नई दिल्ली राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस ये भी अपने जो है तय समय पर चलेगी। 12024 और 23 पटना हावड़ा पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस इसको भी अपने तय समय पर शुरू कर दिया गया है। 12363 पटना रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस ये भी अपने तय समय से चलेगी। 12393 और 94 पटना नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ये भी जो है अब नियमित रूप से चलेगी। 12397 98 गया नई दिल्ली गया एक्सप्रेस इस ट्रेन को भी जो है अब अपने पुराने तय समय से परिचालन की बात कह दी गई है। 12561 62 जयनगर नई दिल्ली जयनगर इस ट्रेन का भी परिचालन जो है एक बार फिर से पुराने स्थिति में चलाने की बात कही गई। 13239 और 40 पटना कोटा पटना इस ट्रेन का भी जो है परिचालन एक बार फिर से पुराने तौर तरीके से चलाने की बात कही गई है। 15203 04 बरौनी लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस भी जो है अपने पुराने तय समय पर चलेगी। 13307 और 08 फिरोजपुर धनबाद फिरोजपुर यह भी जो है अपने तय समय से चलेगी। 15273 और 74 रक्सौल आनंद विहार रक्सौल यह भी अपने तय समय से चलेगी। 12557 58 मुजफ्फरपुर आनंद विहार ये जो है अपने तय समय से भी चलेगी। 14185 86 ग्वालियर बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस भी जो है अपने पुराने तय समय से चलेगी। 12505 और 06 कामाख्या आनंद विहार कामाख्या एक्सप्रेस अपने तय समय से चलेगी। 12367 और 68 विक्रमशिला एक्सप्रेस ये भी अपने तय समय से चलेगी। 22405 और 06 भागलपुर नई दिल्ली गरीब रथ ये भी अपने तय समय से चलेगी। 12369 और 70 हावड़ा देहरादून हावड़ा ये भी अपने तय समय से चलेगी। इसको लेकर हमने पहले भी खबर कहा था कि 1 मार्च से जो है इनका परिचालन शुरू कर दिया गया है। 12327 और 28 हावड़ा देहरादून हावड़ा ये भी अपने तय समय से चलेगी। 13483 और 84 मालदा टाउन दिल्ली ये भी अपने तय समय से चलेगी। 13413 और 14 मालदा नई दिल्ली मालदा एक्सप्रेस यह भी जो है अपने तय समय से चलेगी। इतने ट्रेनों का जो है परिचालन एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है, यानी कि अगर हम पूर्व मध्य रेलवे की बात करें तो रेलवे ने साफ तौर पर कहा है कि 21 जोड़ी ट्रेनें जो हैं वो अब रेगुलर वे में चलेगी, यानी कि उनका ठंड के कारण या फिर रूट डाइवर्ट करने के कारण जो है उनमें बदलाव किया गया था। अब उन सारे बदलावों को ख़त्म करते हुए रेलवे ने होली से पहले इन सारे ट्रेनों के परिचालन को पटरी पर लाना शुरू कर दिया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। मिश्रित जी इजाज़त, धन्यवाद।